आखिरी आखिरी देना दोस्तों। पिछले वीडियो से कंटिन्यू आपको हम मिल गए यहीं पर, पीछे गढ़ गणेश जी और गेटोर की छतरियां, ये तो हम देख करके आए हैं। और आगे अभी इस वीडियो के अंदर हम जा रहे हैं गोविंद देव जी का मंदिर, जो जयपुर का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, गोविंद देव जी का मंदिर। और पास में ताल कटोरा और जहाँ पर गणगौर फेस्टिवल होता है, साथ में तीज का फेस्टिवल होता है, वो हम आपको दिखाएंगे। और उससे पहले जो हम सुबह जल्दी आए थे तो नाश्ता भी नहीं किया था, तो अभी थोड़ा सा नाश्ता कर लेंगे, भूख लग गई है काफी। और साथ ही इस वीडियो के अंदर हम आपको दिखाने वाले हैं चेयर का जंतर मंतर, जो जंतर मंतर टेक्निक है वो भारत में शायद 4-5 जगह ही है। तो एक जयपुर में जंतर मंतर बना हुआ है, जैसे दिल्ली में जंतर मंतर है उसी तरह से, तो वो हम आपको इस वीडियो के अंदर ही दिखाएंगे। तो वीडियो जो है पूरा पूरा आप देखें और घूमें जयपुर शहर। तो दोस्तों ये है ताल कटोरा, जिसमें इसी तरह से पानी भरा रहता है। और जो फंक्शन होते हैं कई बारी, तब क्या है कि इसमें मेला भी भरता है यहाँ पर पीछे साइड में, और इसके अंदर फुहारे भी चलते हैं, ये मैंने देखे हुए हैं पहले। अभी मैंने किसी से पूछा था, अभी नहीं भरते, चलते हैं। और इसी से दूसरी साइड में जो है वहाँ पर वो जो दरवाजे देख रहे हैं उससे उस साइड में जो है वो गोविंद देव जी का मंदिर है, वहाँ पर अभी हम जाने वाले हैं। और इसके दूसरी साइड में जो है वो एक बच्चों के लिए खेलने वाला गार्डन है, जो झूले वगैरह लगे हैं, सीधा अभी वहीं पर झूल रही है, तो चलो वहीं पर चलते हैं। ये काफी बड़ा ग्राउंड है दोस्तों यहाँ पर, और इसी ग्राउंड के एंड में गोविंद देव जी का मंदिर। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का जयपुर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है ये मंदिर, गोविंद देव जी का मंदिर, और बिना शिखर का मंदिर है यह मंदिर। जो है वो चंद्र महल की पूर्व दिशा में बना हुआ है, और पीछे जो आपने बगीचा देखा था उस बगीचे का नाम जय निवास बाग है। तो मंदिर का जो है टाइम है एक दिन में, तो उसी समय खुलता है, पूरे दिन खुला नहीं रहता है। गोविंद देव जी की मूर्ति पहले वृंदावन के मंदिर में स्थापित थी, जिसको सवाई जय सिंह द्वितीय ने अपने परिवार के देवता के रूप में यहां पर पुनः स्थापित किया था। और अब जो है वो त्रिपोलिया के पास में बनी मेन रोड के ऊपर ही जो गाड़ियों के लिए पार्किंग है, यहीं पर हमने गाड़ी को पार्क किया, और अब हम जा रहे हैं यहाँ से जंतर मंतर। ₹100 दो लोग, ये गाइड का चार्ज 1 से 4 लोगों के, तो 200, 300 और 400, 1635 तक भी। हेलो गाइड, हो गए आप? क्या नाम है आपका? रवि। रवि जी, यंत्रराज कहते हैं इसको, यूज करते थे एस्ट्रोलॉजर। अच्छा। और उसको बनाने के लिए, और उसको में क्या देखते हैं, स्टार्स की पोजीशन। किस चीज की? स्टार्स की, स्टार की। अच्छा, सर्कल देख रहे हैं आप, 360 डिग्री का बना हुआ, बीच में छेद देख रहे हैं, इसको जयपुर माना गया है। अच्छा। इसके ऊपर एक तारा बना हुआ, ध्रुव तारा। अच्छा। और छेद के नीचे बोर्ड पर 27 नक्षत्रों के नाम लिखे हुए हिंदी में। अच्छा। तो इस पर एक टेलीस्कोप लगाते थे, टेलीस्कोप लगा के नक्षत्रों को देखा करते थे नाइट में। अच्छा। तो क्या बनाते थे, हॉरोस्कोप जन्मपत्री। अच्छा। और उसमें दूसरा उसका मॉडल है जंतर इंस्ट्रूमेंट मंतर कैलकुलेशन। अच्छा। इन्हीं दोनों से इसका नाम जंतर मंतर रखा गया, इन दोनों की कैलकुलेशन से ही। हाँ। ये जंतर इंस्ट्रूमेंट मंतर मंतर। अच्छा। यंत्र राज ये क्या चीज है? नाम है इसका, इंस्ट्रूमेंट का। और इसके ऊपर देखने में पृथ्वी का नक्शा जैसा लग रहा है। नक्षत्र देखते हैं, ये पूरा लैंगुटिड लैटिट्यूड लाइन है, पूरा ग्लोब बना हुआ है। ये ऊपर उत्तरी ध्रुव है ना? नॉर्थ स्टार। एक क्लॉक है। हाँ। इससे हम जयपुर का टाइम देखेंगे, इसमें प्लस करेंगे 39 मिनट्स। 6 मंथ ये वॉच वर्क करेगी, 6 मंथ पीछे, तो इसमें टाइम कैसे दिखेगा? 6 मंथ ये पार्ट वर्क करेगा, 6 मंथ पीछे, क्योंकि सन 6 मंथ साउथ रहेगा, 6 मंथ नॉर्थ रहेगा।
उत्तरायण दक्षिण है, इधर आइए। अच्छा, सूर्य के आधार पर, तो ये दक्षिण दिशा में है उसका मुंह, और इसका उत्तर दिशा में हो गया, उत्तर है ये दक्षिण। अच्छा, लेकिन ये तो नीचे की तरफ है मुंह, तो इसका विंटर में सन की हाइट कम होती है। अच्छा, अभी जब धूप आएगा ना, हाँ, ये जो रोड देख रहे हैं, रोड लगा, हाँ, बीच में रोड का शरो नीचे गिरेगा। अच्छा, नंबर पे आप टैग देखेंगे जयपुर का लोकल, और प्लस करोगे इसमें 39 पर। रेनी सीजन क्लाउडी और नाइट में कैलकुलेशन नहीं होगी, डिपेंड करता सनलाइट, सिर्फ सूर्य दिखेगा तभी होगा, रात में नहीं नहीं हो पाएगा, अभी नहीं हो रहा तो फिर रात में कैसे होगा। अच्छा, तो ये जैसे जैसे दिख जाता क्या मैडम, अभी सूर्य दिखता तो इससे 100% इसकी छाया गिरती, लेकिन इसकी छाया ऊपर तो गिरेगी नहीं, सूर्य नहीं गिरेगी, नीचे आएगी। तो फिर टाइम ऊपर वाला कब आएगा? वो तो आएगा नहीं, वो तो ऐसे बना दिया होगा, रात का होगा, 6 से 6 देखेंगे टाइम। अच्छा, बस, या फिर ऐसे हो सकता है चंद्रमा से भी थोड़ा टाइम दे, पॉसिबल नहीं है। और यहाँ से सीधा ऊपर देखूंगे। अच्छा, क्या नजर आएगा हमको धूप तारा, रोज एक ही जगह मिलता है, वो हिलता नहीं है जैसे पृथ्वी, वो पृथ्वी यूं घूम रही है, वो फिक्स है, वो फिक्स रहता है। अच्छा, यहाँ बैठ करके सीधा यहाँ से देख सकते हैं ध्रुव तारा। ये घड़ी है, इससे भी जयपुर का टाइम देखेंगे, प्लस कितना करेंगे? 5:30 39 करेंगे। वो अभी आजकल 5:30 करते हैं, वो क्या चीज है? क्या 5:30 GMT? वो तो लंदन से अपना 5.5 घंटे का फर्क है। अच्छा, सुबह 6 से 12 का टाइम यहाँ देखेंगे, 12 बजे टाइम यहाँ पे, जब धूप आएगा इस दीवार का छाया गिरेगा, टाइम देखेंगे जयपुर का लोकल प्लस 39 11। तो 39 क्या चीज है, ये समझ में नहीं आया मेरे। 39 हो गया डिफरेंस, जैसे 5:30 GMT डिफरेंस है, वैसे ही देखो आ रहा है ना, 10:05, 10:15, 20, 25, 30, 35 प्लस कितना करूंगे? लेकिन धूप तो जहाँ हाथ रखेंगे वहीं आ रहा है, तो नहीं नहीं यहाँ तक आ रहा है यार, ये देखो ना, ये शेडो आ गई ना यहाँ पे, हाँ यहाँ तक आ रहा है, ये देखो ये आ गई लाइन, आ गई ना यहाँ पे, और उसके 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 मिनट वहाँ से, ये 10:35 हो गए, प्लस कितना करूँगा? 39 हाँ, 11:14 अपना टाइम होगा, चेक कर लो। अच्छा, अभी 11:14 हो गए, 8, 9, 10, 11, 12 तो छाया यहाँ पे आ रही थी, कब आ रही थी? अभी आ रही थी ना, देखा था, मैं हाथ यहाँ करूँगा तो यही आएगी, नहीं हाथ की नहीं, दीवार की छाया। अच्छा, दीवार की छाया, दीवार की छाया से देख रहे टाइम। अच्छा, वही तो कह रहा हूँ, मेरे समझ में नहीं आया, अगर की छाया, अच्छा सूरज उस साइड में, दीवार की छाया यहाँ पर गिर रही थी, और उसमें प्लस 39 39 जोड़ना है। अच्छा, और सुबह सुबह जैसे दीवार की छाया गिरेगी वहाँ पर, तो हाँ, तो वो कितने, 6, 7, अच्छा 10, 11, 12, अच्छा 12 बजे इधर, 1, 2, 3, 4, 5, अच्छा दोपहर बाद में इस साइड में चला जाएगा, और ये करेक्ट टाइम बताता है। अच्छा, ये अच्छा तरीका था पुराने समय के अंदर, इसको चक्र यंत्र कहते हैं, चक्र यंत्र, इसको लॉक किया हुआ यहाँ से। अच्छा, तो पत्थर से लॉक किया हुआ है? नहीं नहीं यार, ये देखो ये यहाँ से लॉक करते हैं। अच्छा अच्छा, इससे चेक करते हैं सन का निकलेशन और डिक्लेशन एंगल, मतलब सन कितना डिग्री उत्तर में है, कितना डिग्री दक्षिण में। अच्छा, कैसे, जब ये खुला हुआ था पूरा घुमाया जाता था। अच्छा, ये जो हॉल है उसको सन माना गया है। अच्छा, यहाँ पे स्टिक रखेंगे, स्टिक का शैडो गिरेगा डिग्रीज पे, स्टिक मतलब वो सुई, कोई पैन, पैन, अच्छा कोई पैन या कोई लोहे की स्टिक, उसका शैडो गिरेगा डिग्रीज पे। अच्छा, फिर आप देखोगे कितना डिग्री सन नॉर्थ में है, कितना डिग्री सन साउथ में है, कर्क रेखा पे कितना झुकाव है, मकर रेखा पे कितना झुकाव है। अच्छा, पर अभी आप इसे पता नहीं कर सकते क्योंकि ये लॉक कर दिया गया, लॉक कर दिया गया, अदरवाइज ये ऐसे घूमता, पूरा घूमता था। अच्छा, चलिए ये भी अच्छा, और ये क्या चीज है, तो राशि अंतर कहते हैं, इससे राशि देखते हैं। अच्छा, इस समय सूर्य किस राशि में चल रहा है, सर्कल देख रहे हैं। अच्छा, सूर्य किस राशि में गया प्रवेश की, देख रहे हैं 360 डिग्री का बना हुआ, बीचों लोहे का प्लेट देख रहे हैं, इसको सन माना गया है। अच्छा, जब धूप आएगा, हाँ, इस लोहे का प्लेट का शैडो गिरेगा मार्बल पे। अच्छा, मार्बल पे पूरे 12 राशि के नाम लिखे हुए हैं, तो अभी सूर्य चल रहा है मीन राशि में। अच्छा, तो अभी कोई बच्चा जन्म लेगा उसकी राशि क्या होगी, मीन राशि होगी। अच्छा, ऐसे होता है, यहाँ से आप राशि देखेंगे, पर क्योंकि अभी धूप नहीं है तो अगर सूर्य होता तो ये सीधा ये लोहे की प्लेट का छाया गिरेगा मीन के घर में। अच्छा, तो मीन लिखा हुआ पे देखो, ऊपर मकर लिखा है ना, फिर धनु है, फिर कुंभ है, कुंभ के नीचे मीन है, मीन राशि।
तो मतलब आज भी इसको काम में ले सकते हैं, बस आज ही ले सकते हैं, सिर्फ ये सूरज वाली दिक्कत आज ही हो गई। चक्री यंत्र मतलब गोल गोल है इसलिए चक्र ने हम निकाल दिया। इसको राम यंत्र कहते हैं, राम यंत्र। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ए और बी। वन आवर ये काम करेगा, वन आवर वो। अच्छा, इससे चेक करते हैं अल्टीट्यूड। अच्छा, सन की ऊंचाई का एंगल जयपुर से, जयपुर से सूर्य की ऊंचाई, ऊंचाई का एंगल, एंगल। अच्छा, ऊंचाई तो पता नहीं अरबों किलोमीटर है, ऊपर जीरो देख रहे हो, जीरो से 45 और 45 से 90 नंबर्स ये लिखे हुए हैं। तो जब धूप आएगा इस पाइप का छाया गिरेगा दीवारों पर। अच्छा, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ये जो लाइन है ये दिखाएगी आपको अल्टीट्यूड। अच्छा, ऊंचाई का एंगल, और जो खड़ी लाइन ऊपर जा रही है ये दिखाएगी लॉन्गिट्यूड। अच्छा, पृथ्वी का रोटेशन। अच्छा, पृथ्वी कितना घूम चुकी है अपने अक्ष पर, कितना डिग्री घूम चुकी है, कितना डिग्री घूमती है, 360 डिग्री। हाँ, वो इसमें देखते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं। अच्छा, क्या नाम आपका? मांगीलाल सोलंकी। मांगीलाल सोलंकी जी। अच्छा, ये आपको हमारी तरफ से छोटा सा गिफ्ट है। थैंक यू। कहाँ पर रहते हो आप? यहीं पे? नहीं, मैं महाराष्ट्र। तो यहाँ पर हमारी तरफ घूमने आए हो? घूमने आए। अच्छा अच्छा, बनाया गया 1728 में। सेकंड जो आके राजा थे उन्होंने बनाया था, उन्होंने 5 जगह जंतर मंतर बनाए इंडिया में। उन्होंने ही बनाए थे 500 जगह? दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा। मथुरा, अच्छा, 500 जगह उन्होंने ही बनाए। हाँ, ये जैसे पूरा जंतर मंतर है वैसे वैसे 5 जगह है पूरे अपने देश में। अच्छा, तो उनसे भी पहले ये जो गणना है ये कैसे होती थी? ये पहले ये जो जंतर मंतर थे, जो वेधशालाएं थी, ये पहले आउट ऑफ इंडिया भी थी। अच्छा, सबसे पहली जो जंतर मंतर ज्योतिष वेधशाला एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी थी वो उलुग बेग ने बनवाई समरकंद रशिया में, उज्बेकिस्तान। अच्छा, 13वीं शताब्दी में। उसके अलावा वहाँ पे उससे पहले भी, उसके बाद में कई ऑब्जर्वेटरी थी इजिप्ट में, पुर्तगाल, स्पेन वगैरह, तो आउट ऑफ इंडिया भी थी। तो वहाँ से काफी इन्फॉर्मेशन लेके अपनी टीम कलेक्ट करके एक्सपर्ट्स बुला के फिर ये बनवाए गए। वो इसमें खगोल शास्त्र में इंटरेस्ट रखते होंगे? ही वाज ग्रेट एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रोनॉमर, वो खुद बहुत बड़े खगोल शास्त्री थे, ज्योतिष शास्त्री। और ये वही थे ना जिन्होंने जयपुर शहर जो पिंक सिटी बसाई थी? जयपुर शहर। अच्छा, जयपुर शहर बता, पिंक सिटी नहीं, पिंक सिटी राम सिंह जी ने बनवाई। अच्छा, पिंक कलर। अच्छा, 1875। इसके रामा यंत्र, राम यंत्र के छोटे मॉडल है। और ये घड़ी का मॉडल है, सामने घड़ी देखी ना, बड़ी घड़ी, ये घड़ी, ये वाली। हाँ हाँ, ये बड़ी, उसका मॉडल है। अच्छा, छोटा रूप है। काफी सीढ़ियां लगी हुई अंदर। तो ये राशि वाला दिखाया था ना अभी आपको, उसी को यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, देखा था ना एक ही पार्ट। हाँ, उसी में भी इसी तरह से लाइनें थी खूब सारी, एक ही पार्ट देखा था ना ये। हाँ हाँ, उसको यूं डिवाइड कर दिया। क्यों डिवाइड कर दिया? पहले वो बनाया। अच्छा, तो उसको बनाने के बाद प्रॉब्लम क्या आई? हाँ, उसमें जाएंगे कैसे पंडित लोग, कैसे जाएंगे स्टूडेंट्स, कैसे जाएंगे? अच्छा, अंदर जाने का। यहाँ पे क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। अच्छा, बीच में रास्ता बना दिया, इस खाली जगह में खड़े रह सके और कैलकुलेशन कर सके, कर सके। वो क्योंकि अक्सर बहुत छोटे है, दूर से दिखाई भी नहीं देते इतने। इसका नाम क्या है? जय प्रकाश यंत्र। जय प्रकाश, सेम उसका राम यंत्र। अच्छा, और ये दोनों सेम, एक घंटा ये काम करेगा, एक घंटा वो, एक घंटा ये, एक घंटा वो, कैसे मैं समझा? कि इसका जो मिसिंग मार्बल है वो उधर है। अच्छा, एक तरह से पजल की तरह। हाँ, इसको उठा करके उसमें लगाएं तो कॉम्प्लीमेंट्री। अच्छा अच्छा, हाँ, ये ठीक है। राशि के 12 घर बने हुए। अच्छा, यहाँ से राशि की डिग्री देखते हैं, 12 राशियों के 12 घर। और राशि डिग्री देखते थे, डिग्री देख के कुंडली वगैरह बनाते थे। डिग्री मतलब डिग्री, डिग्री। हाँ, वो तो डिग्री है, इसमें डिग्री कहाँ देखेंगे? ये देखो आप। अच्छा, वो घड़ी की तरह ही है इसमें भी? दीवार की छाया गिरेगी यहाँ पे, आप डिग्री देखेंगे, कुंडली वगैरह बनाया करते थे। अच्छा, ये 12 राशि के 12 घर है, छाया सभी पे आएगी, धूप आएगी। तो इन सब में क्या डिफरेंस है प्रत्येक में? वही बताओ, सबसे छाया सभी पे आएगी, पर देखेंगे इसमें, क्योंकि सूर्य किसमें चल रहा है? मीन में। हाँ, मीन में। ये मीन राशि का घर है, तो इसमें ये जो है ये मीन के हिसाब से सेट किया, नंबरिंग मीन के हिसाब से। अच्छा, ये है, तो बाकी सब में अलग अलग है। अलग अलग, पहले क्या देखा हमने? नक्षत्र, टाइम, उत्तरायण, दक्षिणायन,
राशि, राशि की डिग्री और फिर क्या बनाएंगे कुंडली। तो हर एक यंत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक और बात बताओ आप, जैसे महाभारत और रामायण काल से ही जो रामायण लिखने वाले थे वाल्मीकि जी, उन्होंने भी रामायण में जिक्र किया है ग्रहों की स्थिति का वगैरह वगैरह, तो वो कैसे करते थे पहले, या पुराने भी इस तरह से कुछ मिले हैं और से ऐसे कुछ नहीं मिला? उनकी अलग कैलकुलेशन, वो विद्वान लोग थे, बड़े तपस्वी लोग थे, क्योंकि उन्होंने अपनी कैलकुलेशन लिखी है रामायण में। त्रिकालदर्शी थे तो उनको तो सब दिखता था, इसलिए वो प्रेडिक्शन करते थे। और यंत्र ये पहली बार यहाँ पे बनाया गया। अच्छा, वर्ल्ड की सबसे बड़ी सन क्लॉक है। सन क्लॉक दुनिया की कैसे? वो छोटी घड़ी देखी थी ना हमने, वो छोटी सी रेड वाली। हाँ, ये बड़ी घड़ी है। अच्छा, तो उसकी एक्यूरेसी 20 सेकंड है, इसकी एक्यूरेसी 2 सेकंड। अच्छा, जितनी बड़ी उतनी ज्यादा एक्यूरेसी। अच्छा, तो इसमें भी आधे दिन इस साइड से, मॉर्निंग 6 से 12 यहाँ, 12 से 6 उधर, प्लस 39। अच्छा, एक बात बताओ, सेकंडों के हिसाब से आप कह रहे हो ये सही बताती है टाइम, 2 सेकंड। तो इसको जो बनाने वाले मिस्त्री और कारीगर थे, उन्होंने कैसे लगाया होगा, क्योंकि लिपाई वगैरह करने में 2-4 सेकंड तो एक्सपर्ट्स थे ना यहाँ पे। अच्छा, एक्सपर्ट्स की मौजूदगी में तो बनवाया गई। अच्छा, मतलब वो तो कर देते हैं, तभी थोड़ी सी लिपाई ज्यादा कर दी, सेकंड इधर उधर हो गई। वो खड़े थे, उन्होंने उनकी निगरानी में बनाई गई। अच्छा, जो भी कुछ प्रॉब्लम होती थी वो हैंड टू हैंड उसको सही करवाते थे। तो ये पूरा गोलाई के अंदर खड़ा सीधा ये सब कैलकुलेशन करके बनाया गया। क्या बोलते हैं इसको? बृहत सम्राट यंत्र। बृहत सम्राट यंत्र की सबसे बड़ी धूप घड़ी। धूप घड़ी ऊपर जाने का रास्ता बंद किया हुआ, साल में एक बार खुलता है गुरु पूर्णिमा। बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर हो जा रहे, वो ऊपर जाते हैं, वायु परीक्षण करते हैं, मौसम की प्रेडिक्शन। अच्छा, कई बार सही होती है, कई बार गलत भी होती है। यहाँ ऊपर जाकर के हाँ, उनको कैसे पता चलता है ऊपर जाने? झंडा लगाते हैं बड़ा सा। अच्छा, झंडा लगाने का वो देखते हैं कि हवा कैसे जा रही है। अच्छा, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, कौन कौन सा बन रहा है, वो आइडिया लगा के अकॉर्डिंग प्रेडिक्शन करते हैं। कई बार सही होती है, कई बार गलत। को हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है, शुभ जर्नी यूट्यूब चैनल है। थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छे तरीके से बताया, हमें तो पहले पता ही नहीं था ये सब कैसे होता है। आपको भी हमारी तरफ से गिफ्ट। अरे क्या बात है, क्या नाम आपका? डॉक्टर मुकेश शर्मा। मुकेश शर्मा, आप भी इनके साथ में गाइड हो? गाइड भी है, एस्ट्रोलॉजर भी है। अच्छा, और आज इनका सेकंड ग्रेड में टीचिंग का भी हो गया। अच्छा, कांग्रेचुलेशन फिर, सेकंड ग्रेड टीचर ही बन गया। आप तो ये सीधे जो है घूमने का तरीके का घूम ही रहे हैं तो। हाँ, YouTube चैनल आपका चैनल देख के मैं आया हूँ। अच्छा, कहाँ से हो आप? नागपुर महाराष्ट्र। अरे YouTube पे दिखाया था ना मैं, ये राजस्थान पे घूम रहा फैमिली के साथ। नमस्कार, चेहरा लग रहा है, दिखाया था वो मैं एकदम से। मैं बोला आपका टूर खत्म हो गया होगा। नहीं नहीं, आप यहाँ से तो जा चुके हो ना? हाँ, नहीं जा चुके नहीं, अभी बाकी है। जब फ्रेंड के साथ आप निकले हो और फैमिली के साथ? वो कोटा के है, फ्रेंड जो साथ में घूम रहा है ना हमारे, उसकी फैमिली भी है, वो कोटा का है। मैंने आपका वीडियो देखकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया और फैमिली के साथ। अच्छा, जो प्लान किया उसमें हमारे वीडियो भी देखे थे आपने। नंदीपुर बालाजी वगैरह के वीडियो। कितने दिन के टूर गए हो? बस आज हम रिटर्न। हम तो 6 दिन से घूम रहे हैं जयपुर में, चित्तौड़ से घूम रहे हैं। अच्छा, चित्तौड़ भी गए, उदयपुर, फिर इधर जिन माता शाकंभरी। अच्छा, बस नंदीपुर बालाजी जाने के लिए एक दिन कम पड़ गया। अच्छा, क्योंकि हमने उधर उदयपुर। क्या नाम है आपका? संकेत लाटा। संकेत लाटा, आपका क्या नाम? अजय लाटा। अजय लाटा, चलो बहुत अच्छा लगा, विद फैमिली आए हो आप, ये आपके लिए हमारी तरफ से गिफ्ट है। थैंक यू सर, बस एक ही रखो ना, एक ही है फैमिली। चलो ठीक, ये शुभ जर्नी यूट्यूब चैनल आपको तो पता ही है, देखते हो फिर। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, एंजॉय योर जर्नी। तीन दे दो। कितने कितने के? 30-30 के। ये लो बस, प्योर मावे की है। इसको मटका क्यों बोलते हो? मटके के अंदर बनाते हो? नहीं, मटके में लाते हो। लाते हो? कढ़ाई में रबड़ी बनती है ना। अच्छा अच्छा, मटका तो है ये, मटका वो कुल्फी। अच्छा, मटका और कुल्फी, मटका कुल्फी।
दोस्तों इस वीडियो के अंदर जो आपने स्थान देखे हैं वो भारत के राजस्थान राज्य के जयपुर के अंदर है। सबसे लास्ट में जो आपने देखा था इस वीडियो के अंदर वो था जंतर मंतर, जो कि यहाँ पर है। जो आपने हवा महल देख ही चुके हैं, इस साइड में सिटी विलेज देखा था, इन दोनों के बीच में यहाँ पर ये है जंतर मंतर। ये सबसे बड़ी जो आपने सन वॉच देखी थी, और यहाँ पर ये आपने 12 राशियाँ देखी थी, ये पूरे पूरे जो यंत्र थे वो यहाँ पर है। और जंतर मंतर से इस साइड में ये सिटी विलेज, और सिटी विलेज के अंदर इस साइड से आप देखेंगे यहाँ पर चंद्र महल, यहाँ के वर्तमान जयपुर के राजा का जो निवास स्थान है रॉयल फैमिली का। और इस साइड में आप आएंगे तो यहाँ पर जो है वो ये गार्डन है, और यहीं पर जो है वो मंदिर है, यहाँ पर मंदिर है गोविंद देव जी का ये मंदिर, और ये जय निवास बाग के नाम से गार्डन है। और इससे आगे आप जाएंगे तो ये यहाँ पर पाल कटोरा है, और इससे आगे जाएंगे तो यहाँ पर ये पौंड्रिक पार्क है, और उससे भी आगे जाएंगे तो वो आपने पिछले वीडियो के अंदर देखा था गढ़ गणेश और गेटोर छतरियाँ, बाकी आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।